सभी को नमस्कार। अभी आप लोगों के माध्यम से ही लगातार हम लोग देखते रहे कि अखबारों में आप लोगों ने बीएससी में जिस प्रकार की अनियमितता चल रही थी उसको लगातार आप लोगों ने उठाया है। हम लोग रोज आप ही के माध्यम से शुरुआती तौर में देखे कि किस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के युवा साथी अलग अलग तरीके से अप्रोच भी करते रहे कि कहां कहां क्या क्या दिक्कतें, कहां कहां क्या क्या समस्या आ रही है। तो लगातार आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया और युवा साथियों ने, छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों ने जब बात को रखा तो हम लोगों ने थोड़ा इस पे काम किया। हमारे विपक्ष की भूमिका को निभाने का हमने काम किया है और रचनात्मक विपक्ष के रूप में हमने कई पॉइंट्स हमको जो मिले हैं और आप लोग भी उसको उजागर करते रहे सभी मीडिया के साथी, तो उन सबको आपके सामने आज युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग रखना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी भाई ने पहला विषय बताया कि वीरेंद्र नाम के एक लड़के ने जिस तरह से पत्र लिखा पीएससी के चेयरमैन को, ये अपने आप में बहुत ही संदेहास्पद और दुखद स्थिति है। आपने खुद देखा होगा इस पत्र को, आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा, छत्तीसगढ़ के हर युवा ने देखा और इस सरकार के प्रति हरेक युवा के मन में बहुत दुख और आक्रोश पनपा है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक है। ये कैंडिडेट बोल रहा है कि मेरे पीछे में एक पर्टिकुलर रोल नंबर का विद्यार्थी अब्सेंट था और जब वो इंटरव्यू का लिस्ट देखता है तो लिस्ट में उसका नाम, उस अनुक्रमांक का नाम आ जाता है और उस अभ्यर्थी का मतलब सिलेक्शन हो जाता है। एक तरह से मुन्ना भाई छत्तीसगढ़ में पैदा हो जाता है उसके अनुसार, उस अभ्यर्थी के अनुसार। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है और इसके बारे में पीएससी का जो प्रेस विज्ञप्ति आया आप लोगों के पास पहुँचा होगा, उन्होंने कहा इसको बुलाया उसको बुलाया और सब ठीक है, वो गलत बोल रहा है। तो ये तो मतलब खुद पे जो आरोप लगे हैं उस पे खुद ही पीएससी अपनी बॉडी खुद ही जांच करा के खुद ही घोषित कर, कायदे से पीएससी को वीडियोग्राफ सबको सार्वजनिक करना चाहिए कि उस रोल नंबर का विद्यार्थी बैठा था। इस बात को सबके सामने वीडियोग्राफी जो है, वीडियो की कॉपी मीडिया के सामने, हमारे छत्तीसगढ़ युवा भाई बहनों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ पीएससी से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, हम लोग देखिए मूल रूप से युवाओं के भविष्य के लिए बात करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। ये वीडियो जारी हो जाए तो एक जो संदेह की स्थिति और एक भ्रम की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के बीच निर्मित हुई है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप सब ने खुद देखा होगा कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा पीएससी ने आयोजित की, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो पीएससी ने आयोजित की उसमें 105 विषयों को, प्रश्नों को विलोपित किया गया है, 105 प्रश्नों को विलोपित किया गया है। और कई अभ्यर्थियों का ये कहना है कि कई सारी स्टैंडर्ड बुक को भी बताया गया, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक को भी रखा गया, उसके बाद भी स्वीकार नहीं किया गया पीएससी के द्वारा। अदरवाइज ये विलोपित प्रश्नों की संख्या 200 से अधिक हो सकती है, उनका ये आरोप है बहुत सारे अभ्यर्थियों। तो तो 105 प्रश्नों को विलोपित किया गया आप सब लोगों को ज्ञात ही है। और देखिए प्रश्नों का विलोपित हो जाना, ह्यूमन एरर हो जाना समझ में आता है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में होना कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि का जो एग्जाम हुआ था उसमें से 150 प्रश्नों में 14 प्रश्न को विलोपित किया गया, लगभग 10% प्रश्न विलोपित हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। एक उदाहरण आप लोगों ने भी देखा होगा, ये एक प्रश्न आपने भी देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ये 35 नंबर का प्रश्न था, कोई भी सेट रहा होगा। इसमें लिखाया है कि टाटा पानी किस जिले में स्थित है, प्रश्न पूछा गया था। और इसमें सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और सूरजपुर
चार ऑप्शन पीएससी ने दिए थे और इसका ये आंसर मॉडल आंसर शीट है पीएससी का, इसमें 35 का डी नंबर का आंसर शीट में उत्तर दिया गया है, डी नंबर सूरजपुर। ताता पानी छत्तीसगढ़ के हमारे बलरामपुर जिले में है, ये हर व्यक्ति को पता है, लेकिन पीएससी स्तर के एजेंसी जो कि एक संवैधानिक संस्था है और वो एक्सपर्ट्स हायर करके उनको लंबी चौड़ी फीस देती होगी, बड़ा पैसा बड़ा अमाउंट देती होगी, और इस तरह के ताता पानी किस जिले में, इस तरह के प्रश्न को गलत अगर आंसर दे रही है पीएससी, तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो इस संदर्भ में हम सभी लोग मांग करते हैं कि ये जो प्रश्न बनाया था और इसका जो भी उत्तर बनाया था उसके नाम को पीएससी को सार्वजनिक करना चाहिए और उसको तत्काल ब्लैकलिस्टेड करके उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए अगर पीएससी वास्तव में अपने आप में सुधार लाना चाहता है। इस तरह की स्थिति सारे एग्जाम्स में निर्मित हो रही है कि जो क्वेश्चंस हैं वो विलोपित हो जा रहे हैं। पीएससी ने फिर विज्ञप्ति जारी किया, पीएससी ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि भाई जो विलोपित प्रश्न रहते हैं उनका तो हम विलोपित प्रश्न जो रहते हैं उसका हम मतलब नंबर एड कर देते हैं, लेकिन कौन कौन उसको अटेम्प्ट किया रहता है, कौन अटेम्प्ट नहीं किया रहता है, इसके आधार पर स्कोर होता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। दूसरा, अगर मैं एग्जाम हाल में, हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, आप लोगों में से कई लोग भी एग्जाम दिए होंगे, जब एग्जाम हाल में अब उस क्वेश्चन पे किसका कितना समय जाया हो रहा है उसको कोई कैलकुलेट नहीं करता है, ये सब दर्द विद्यार्थियों के हैं। दूसरा, पीएससी से एक विज्ञप्ति आई, पीएससी विज्ञप्ति जारी करते हुए कहता है कि उक्त सभी कारणों से प्राप्त आपत्तियों को परीक्षण एवं निराकरण संबंधी विशेषज्ञों से कराया जाकर संशोधित मॉडल उत्तर जारी करने की कार्रवाई की जाती है। अतः कुल 2450 प्रश्नों में लगभग 105 प्रश्न विलोपित होना मुद्रण त्रुटि या उल्लेखित अन्य कारणों से है। अब ताता पानी कौन से जिले में है, इसका मुद्रण त्रुटि हो जाएगा, इसको छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन कैसे स्वीकार करेंगे। किसी भी आयोग संस्था से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नों का विलोपन होना एक सतत प्रक्रिया है, तो उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। प्रश्न के विलोपन को न्यून से न्यून किए जाने के प्रयास निरंतर हो रहे हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रश्नों के विलोपन से किसी अभ्यर्थी विशेष को अंकों की कोई हानि नहीं होती है, बल्कि परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को उस विलोपित प्रश्न के अंक को शेष प्रश्नों के अंक में जोड़ दिए जाने से प्रति प्रश्न के अंकों में वृद्धि होती है, ये बोल रहे हैं। लेकिन उस विलोपित प्रश्न के पीछे कितना समय मेरा बर्बाद हुआ उसको कोई कैलकुलेट नहीं करता कर सकता, इसको मैं पीएससी को बताना चाहूंगा। आप भी इमेजिन कीजिए कि 10 क्वेश्चन जो विलोपित हो गए उसमें मेरा मैं दिमाग लगाता रहा और मान लीजिए मेरा 15 मिनट बर्बाद हुआ, उसके कारण मैं दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उसको कौन कैलकुलेट कर सकता है, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसके आगे ये बोलते हैं कि जहां तक अभ्यर्थियों का अधिक उम्र होने के संबंध में जो भ्रांति है, तस संबंध में लेख के आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में क्रमांक एवं विज्ञापन वर्ष का उल्लेख होता है। किसी परीक्षा के लिए जिस वर्ष में विज्ञापन जारी होता है परंतु किसी कारणवश उक्त परीक्षा 3 या 4 वर्षों के बाद संपादित की जाती है तो भी उक्त स्थिति में आयु की गणना विज्ञापन वर्ष से ही की जाती है। अपने आप में इस तरह का बचकाना जवाब देना पीएससी के माध्यम से अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि भाई एक भर्ती प्रक्रिया होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी दूसरी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होगी, और जो दूसरी भर्ती परीक्षा के समय तक जो लोग एलिजिबल रहते, आज मान लीजिए मैं 34 साल का हूँ, एक उदाहरण के स्वरूप बोल रहा हूँ, मान लीजिए एज लिमिट 35 साल की है, आज मैं 34 साल का हूँ, एग्जाम दिया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम दिया हूँ, और मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता है और चूंकि परीक्षा विलंब होती जा रही है और परीक्षा जो डिले होगी जो विलंब होगी उसके कारण मान लीजिए 3 साल बाद नई वैकेंसी आती है, तब तक तो मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। तो इसलिए हम लोग युवा मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के हित में ये मांग करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जितने भी खाली हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में उसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये इन लोगों के जो त्रुटियां हैं गड़बड़ियां हैं उसके कारण पूरे प्रोसेस में लगातार डिले हो रहा है, और डिले हो रहा है उसके कारण नई भर्ती में डिले होगा जब एक भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए आज ये हमारे छत्तीसगढ़ की युवाओं की मांग है, कई फोरम पर उन्होंने ये मांग रखा भी है, तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से पीएससी से ये आग्रह करता हूँ कि वे जो भी पद आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे छत्तीसगढ़ में खाली हैं उन सारे पदों को इसी वैकेंसी में शामिल करें, ताकि जो विलंब के कारण जिनका एज लिमिट बार हो जाएगा उनको इसका नुकसान ना उठाना पड़े, ये हम लोग और विशेष रूप से आग्रह करते हैं। दूसरा चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा,
ये पीएससी ने 26 दिसंबर 2020 को एक विज्ञप्ति जारी किया है, आप लोग पास गया होगा 100%। इसमें पीएससी लिखता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा 9 फरवरी 2020 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के मॉडल उत्तर दिनांक 12/2/2020 को आयोग के वेबसाइट में जारी करते हुए ऑनलाइन आपत्ति करने की प्रारंभिक तिथि 20/2/20 से आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तथा आयोग में दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2020 तक निर्धारित थी। प्राप्त दावा आपत्तियों का परीक्षण विशेषज्ञ समिति से कराया गया तथा सभी दावा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया गया। पीएससी खुद बोलता है, इसके बाद मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि पीएससी में जो भी उनके लोग हैं, प्रश्न बनाने वाले, उत्तर बनाने वाले, उनकी स्थिति ऐसी है कि युवा जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड सामग्री है, उसको ले लेके जा रहे हैं, वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद भी पीएससी की हठधर्मिता इस स्तर की है कि उनके जो लॉजिक है उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जो रेफरेंस बुक दिखाए जा रहे हैं, मानक पुस्तक दिखाए जा रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे। इसके कारण मॉडल उत्तर वो लोग दावा आपत्ति प्राप्त करने के बाद निकाल देते हैं और दावा आपत्ति प्राप्त करने के बाद मॉडल उत्तर निकाल देते हैं, उसमें भी जो सुधार करना चाहिए वो सुधार ये नहीं करते हैं। उसके कारण से जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। और इसी विज्ञप्ति में खुद पीएससी लिखता है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक भाई है उदयन और उसके साथ अन्य कई लोग भी माननीय हाई कोर्ट में गए इसी पीएससी के एग्जाम को लेकर, तो उदयन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन इस केस में, उदयन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन में युवाओं के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जिससे प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की हठधर्मिता किस स्तर की थी। और उनकी हठधर्मिता के कारण माननीय उच्च न्यायालय में युवाओं के हक में निर्णय आया, और युवाओं के हक में जब निर्णय आया तो पीएससी को फिर से विशेषज्ञ समिति से जांच करनी पड़ी। और पीएससी खुद लिखता है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र सेट इनके अलग अलग प्रश्नों का जांच कराया गया, इसके अनुसार फिर से सेट ए के प्रश्न क्रमांक 2, सेट बी के 88, सेट सी के 63 और सेट डी के 42 प्रश्नों को विलोपित किया गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन विथ लॉजिक, सारे तर्कों के साथ, सारे तथ्यों के साथ, प्रामाणिक सामग्रियों के साथ पीएससी में जाकर बात को रख रहे हैं। उसके बाद भी पीएससी अपनी हठधर्मिता के कारण उस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को माननीय न्यायालय में जाना पड़ रहा है और वहां पे उनके हक में निर्णय आ रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस में एक टाइम डिले हो रहा है और बाद में जाकर पीएससी उसी बात को स्वीकार भी करती है। तो इसमें पूरे प्रोसेस में टाइम डिले हो रहा है। और जिस परीक्षा की बात की जा रही है, ये प्रारंभिक परीक्षा 2019 की, इसकी 9 फरवरी को निर्धारित हुई थी, परीक्षा आयोजित हुई थी, वो उसका अब हाई कोर्ट से डिसीजन भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मेंस का डेट अभी तक नहीं आया। तो इस तरह से विलंब हो रहा है, इस तरह के जो स्थितियां निर्मित हो रही उसके कारण विलंब हो रहा है। और नए प्री एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर हो गया, 2020 के प्रीलिम्स का डेट डिक्लेयर हो गया, 2019 के मेंस का डेट नहीं आ पाया। तो जो भी पीएससी की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भाई बहन स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उनको किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि एक प्री निकाला हुआ है, मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस का डेट आया ही नहीं है, फिर प्री आ गया, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है। तो एक तो इस तरह के कारण विलंब हो रहा है, हताशा और निराशा का वातावरण हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। इसके लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि 2014 के बाद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ पीएससी की विज्ञापन निकलती रही है, उस प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। और न केवल विज्ञापन निकालने की बात है, मूल बात है कि अगले 26 नवंबर से पहले पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए, तब तो आप नया वैकेंसी निकालेंगे। मतलब अगले प्रीलिम्स के पहले पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाए, जैसे 26 नवंबर को वैकेंसी निकाले, जैसे यूपीएससी में होता है, मान लीजिए दिसंबर में वैकेंसी निकला, फिर मान लीजिए अगस्त में मई अप्रैल मई में प्री हुआ, फिर अक्टूबर नवंबर में मेंस हुआ, फिर मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हुआ, तो अगला प्रीलिम्स जो आता है उससे पहले किसी भी स्थिति में परीक्षा को पूर्ण कर लिया, तभी सिस्टमेटिक ढंग से युवा इस एग्जाम को दे पाएंगे। नहीं तो अब जैसे 2019 का मेंस हुआ नहीं है और 2020 का प्री आ गया, तो युवा प्री की तैयारी करे कि मेंस की तैयारी करे, इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। और जैसे मैं बोलूंगा, आप संघ लोक सेवा आयोग का वेबसाइट कभी भी देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर पूरे आने वाले साल का कैलेंडर
डरा रहता है कि किस तारीख को कौन सा एग्जाम होगा। कई बार युवा होता है कि भाई दो तीन एग्जाम साथ में देता है, चार पांच एग्जाम साथ में देता है, तो जब तक कैलेंडर नहीं रहता तो उसका डेट भी क्लैश होता है और उसको पता ही नहीं रहता कब क्या होना है क्या नहीं होना है, और कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पता चला उस बीच में नया एग्जाम आ गया, तो सब डेट क्लैश होने लगते हैं और उसकी तैयारी भी क्लैश होने लगती है। तो संघ लोक सेवाएं पूरे साल भर के लिए कैलेंडर जारी करती है, उत्तर प्रदेश के पीएससी ने भी कैलेंडर जारी किया हुआ है, मध्य प्रदेश के पीएससी ने भी अभी कैलेंडर जारी किया हुआ है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सरकार से और पीएससी से मांग करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन आने वाले साल का कैलेंडर जारी कर दें, जो कि युवाओं के हित में होगा। दूसरा, मैं आपको अभी कल के मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड को लोग डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के पेज निकल कर आ रहे हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई, हमारे देश की और दुनिया की टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, और पीएससी अभी भी कौन से जमाने में जीना चाह रहा है वही जाने, ये जो प्रवेश पत्र के लिए निकाल रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति पूरा पेज आ रहा है वेबसाइट पे। अभी कल हम लोग निकाल रहे थे, ये सब स्थितियां देखने को निर्मित हुई। तो मतलब हर तरह से व्यवस्था को इन्होंने पूरा लचर बना के रखा हुआ है, और 2017 के मेंस का रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। इस तरह की स्थितियां हर दृष्टिकोण से बनी हुई हैं। तो ऐसे जो परिस्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है, उसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ के सारे युवा भाई बहन एक हताशा और निराशा की स्थिति में जीवन जी रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, बड़े दुख के साथ मैं बताना चाहूंगा, मैं इससे पूरा मैं नहीं बोलता कि केवल इसी कारण से हुआ होगा, लेकिन एक घटना जो मैं कल खुद जिसका वार्ता हुआ मेरे साथ, नवीन राठौर नाम का लड़का है, रायगढ़ जिले के घघरा गांव में 21-22 साल का लड़का था, 21 और 22 के बीच में उसकी उम्र थी, पीएससी की तैयारी करता था, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो 10 से 16 घंटे के बीच में पढ़ाई नहीं करता था, 10 से 16 घंटे के बीच में पढ़ाई नहीं करता था, और वो पिछले लगातार बहुत ही होनहार लड़का था, लगातार पढ़ाई करता रहा, मेहनत करता रहा, अभी लास्ट मंथ ही पिछले महीने ही ब्रेन हेमरेज से उसकी मृत्यु हो गई, 21 और 22 के बीच का लड़का था। कल हम लोग उसके घर गए थे, उसके पिताजी, उसके भाई सब लोग हैं, और मतलब ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि युवा प्रेशर में आएगा, उसको हताशा निराशा का सामना करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके मनोमस्तिष्क में, उसके शरीर में सब जगह इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई जो भी भर्ती संस्था होती है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। किसी देश के, भारत देश के, छत्तीसगढ़ के किसी कोने में बैठा हुआ जो युवा है, वो जो तैयारी करता है, वो भारत के लोकतंत्र पे भरोसा करके तैयारी करता है। एक आम आदमी, एक बीपीएल परिवार का आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, अपने सब कुछ, जमीन जायदाद, घर को बेच करके बच्चे के पैसे पे लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर उनको भरोसा है, और भारत के लोकतंत्र के इसके मजबूत होने का सबसे बड़ा प्रमाण भर्ती एजेंसियां हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उससे पूरे छत्तीसगढ़ की युवाओं का आशा और विश्वास जुड़ा हुआ है। इस आशा और विश्वास को कायम रखने के लिए वे लोग काम करें, अन्यथा हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति निर्मित हो रही है वो अत्यंत भयानक है। अभी आपने कांग्रेस से ही आपने देखा होगा कि ये बात आई है कि उन्होंने खुद एक तरह से छत्तीसगढ़ की पीएससी की विफलता को स्वीकार किया है, और एक कांग्रेसियों का आरोप प्रत्यारोप और ब्लेम गेम की राजनीति का पुराना कल्चर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी उन्होंने कह दिया कि भाई छत्तीसगढ़ पीएससी में गड़बड़ हो रहा है, अधिकारी लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। भारत के संविधान में कार्यपालिका का, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, उसके नीचे में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, आप अधिकारियों के ऊपर बात रख के अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ये चोर के दाढ़ी में तिनका को प्रमाणित करता है कि आखिर आपने बोला कैसे, आपने अपनी विफलता को कांग्रेस ने कहीं कहीं स्वीकार कर लिया है, और अब ब्लेम गेम की राजनीति पे उतर के वो दूसरे लोगों पे, अधिकारियों पे आरोप मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे अधिकारी किया हो, चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, पीएससी स्वयं में एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप की बचकाना राजनीति नहीं करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की युवा साथियों के, युवा भाई बहनों के हित के बारे में सोचना चाहिए। मैं यही बात करना चाहता हूं। एक सवाल ये है मेरा, विजय भैया को कंप्लीट करने दीजिए, फिर सारे ठीक है। कुछ मुद्दों को लेकर विजय